हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को, और आज हम मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन करने से पहले फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर क्या होते हैं, होती क्या है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसमें मोनोमर्स कौन कौन से रहते हैं, उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय द एक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जाहिर सी बात है, नाम है इसका फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये कैसे इनिशिएट होगी, जब हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। इन दिस पॉलीमराइजेशन द ग्रोइंग चेन हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट इट्स एंड। क्या रहता है कि इन इस तरह की पॉलीमराइजेशन में जो ग्रोइंग चेन होती है उसके एंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। दिस रेडिकल साइट अटैक्स द अनसेचुरेटेड मोनोमर विच गेट्स एडिड अप इन द चेन एंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू चेन एंड एट ईच एडिशन ऑफ द मोनोमर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप इस तरह से समझेंगे कि क्या रहता है, जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। वो एक रिएक्टिव साइट होती है जो कि हमारे अगले मोनोमर के साथ जो है मोनोमर को वो अटैक करेगी, जो हमारा नेक्स्ट मोनोमर होगा उसे अटैक करेगी। अगर ये इस मोनोमर के साथ जुड़ जाती है तो ये फिर ये जो रिएक्टिव साइट है ये इस मोनोमर के पास ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। जब तक हमारी चेन ग्रो कर रही है ये इस तरह से रिएक्टिव साइट ट्रांसफर होती रहेगी मोनोमर टू मोनोमर इन अ चेन, ठीक है। सच पॉलीमराइजेशंस आर वेरी कॉमन, ठीक है। Some alkenes have sufficiently active double bonds and undergo polymerization simply on heating. For example, styrene and methyl methacrylate. But most other monomers require an initiator. लेकिन कुछ हमारे जो alkenes होते हैं उनमें जो double bond होता है वो जो है वो simply heating में भी polymerize कर जाता है। इसका example हमारे पास styrene है और मिथाइल मिथैक्राइलेट है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे मोनोमर्स रहते हैं वो इनिशिएटर रिक्वायर करते हैं, ठीक है, पॉलीमराइजेशन के लिए। तो इनिशिएटर्स फॉर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, किस किस तरह के इनिशिएटर होते हैं हमारी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, तो इसमें आप ले सकते हैं परऑक्साइड्स को। परऑक्साइड्स क्या रहते हैं हमारे, ये इनको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड्स। वैसे तो ये इस तरह से रहता है, ठीक है, इसमें हमारा कोई भी मॉलिक्यूल या ग्रुप लगता है, ठीक है, कोई भी एटम या ग्रुप लगेगा, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ये हमारे परऑक्साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड की, ये 373 टू 423 केल्विन पर डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इसके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉन्ड के। तो एक जो है वो हमारा इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा और एक इस तरफ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए तो हमारे पास टू इसके रेडिकल जनरेट हो गए, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स का ये रेडिकल बन गया, टू मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा बेंजोइल परऑक्साइड है वो भी क्या करेगा, डिकम्पोज होगा 323 केल्विन पर ये डिकम्पोज होता है। इसमें भी वही फिनोमिना रहेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाएंगे इस तरह से शिफ्ट कर जाएंगे, तो हमारे पास टू बेंजोइल रेडिकल जनरेट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बेंजोइल रेडिकल। अगर हमें बेंजोइल रेडिकल में से भी दोबारा रेडिकल बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा, फिनाइल रेडिकल, ठीक है। ये फिनाइल अलग हो जाएगा और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये रेडिकल फॉर्म होते हैं जो कि एज अ इनिशिएटर वर्क करेंगे हमारे मैकेनिज्म में, ठीक। फिर इसमें हमारे जो है एजो कंपाउंड्स आ जाते हैं,
जो कि इनिशिएटर की तरह बिहेव करेंगे। इसमें मोस्ट कॉमन जो एजो कंपाउंड है वो है एजो आइसोब्यूटायरोनिट्राइल, इसको हम AIBN भी बोलते हैं। ये डिकम्पोज होता है 353 केल्विन पे, ठीक है, ये 353 केल्विन पर डिकम्पोज होता है और आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल रेडिकल को जनरेट करता है, ठीक है, ये इसका आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है। और फोटो इनिशिएटर भी इसमें होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज होते हैं, ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हमारे डाइसल्फाइड्स, बेंजोइन, बेंजाइल, ठीक है। तो ये है हमारा डाइसल्फाइड, ये इसका रेडिकल, बेंजोइन ये इस तरह से, बेंजोइन है हमारा, ये इस तरह से बनाएगा रेडिकल, ठीक है। तो इसमें जो है, जो हमारे इसी तरह से एक और एग्जांपल है बेंजोइल का, और जो मोनोमर्स हमारे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में यूज होते हैं वो ये हैं हमारे विनाइल क्लोराइड। मैंने कहा था आपको अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होने चाहिए जिनके पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 विनाइल क्लोराइड, ये CH2CHCl विनाइलिडीन क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CCl2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन CF2CF2, ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, एक्राइलेमाइड CH2 डबल बॉन्ड CHCONH2, ये सारे, ये जितने भी आप देख रहे हो मिथाइल मिथैक्राइलेट, विनाइल एस्टर, स्टायरीन, इथिलीन, ठीक है, वो सारे क्या रहते हैं, मोनोमर्स होते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के। तो आगे हम इसका मैकेनिज्म करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का, जिसमें कि हम इनिशिएटर होगा हमारे पास, प्लस हम उसके साथ इनमें से कोई भी एक मोनोमर को उसके साथ प्लस करेंगे, फिर हम उनकी, हमारा रेडिकल जनरेट होगा जैसे यहाँ पे हो रहे थे। सबसे पहले हमारा इनिशिएशन स्टेप आता है, हमने पहले भी पढ़ा है एडिशन पॉलीमराइजेशन में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप आएगा, उसमें हमारा इनिशिएटर जनरेट होगा, फिर प्रोपेगेशन होगी, फिर टर्मिनेशन होगी, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से वीडियो समझ आई हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए आपको कैसे लगी वीडियो। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।